अब मैं टॉपिक को शुरू कर रही हूं, सारे बोर्ड पे देखते रहो। एक्टिव से पैसिव अगर हमें जाना है तो सबसे पहले बेसिक पांच रूल सिखा रही हूं उन बच्चों के लिए जिनके इंग्लिश बहुत खराब है या इंटरेस्ट नहीं है। ये पांच रूल आप सीखिएगा, इसके आगे टॉपिक को समझना आसान है। अगर ये पांच आपको समझ नहीं आए तो इसके आगे टॉपिक को समझना असंभव है। मैंने मुश्किल नहीं बोला है, मैंने असंभव बोल दिया है, क्योंकि ये पांच आधारभूत रूल हैं बाकी सारे रूल्स के लिए। अब क्या है सबसे पहला रूल जिस पे मैं पिछले 10 मिनट से लगी हुई हूं? एक्टिव से पैसिव जाना है तो सब्जेक्ट को बना दो। सारे बोलो भाई सब्जेक्ट को, जोर से बोलो सब्जेक्ट को। ये वो पांच रूल है जो वॉइस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और पहला रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट को बनाओ, ऑब्जेक्ट को बनाओ। जो बोलेगा उसकी नौकरी लगेगी, जो नहीं बोलेगा, मैं गंदी बात अपने मुंह से नहीं बोलूंगी, तुम खुद समझदार हो। सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। पॉइंट नंबर दो, हमेशा बाय का यूज करना है एक्टिव से पैसिव जाते हुए। मेरा हमेशा का मतलब होगा मोर देन 90%, क्योंकि देर आर सम एक्सेप्शन इन इंग्लिश ऑलवेज। कुछ ना कुछ क्या होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, तो मोर देन 90% टाइम्स आपको क्या मिलेगा? बाय मिलेगा, लगाना ही होगा। तीसरी बात, एक्टिव से पैसिव जाते हुए हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना। सभी बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब को चेंज, हेल्पिंग वर्ब चेंज। सब्जेक्ट का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। हमेशा क्या लगेगा? क्या नहीं बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी। मेरे हंसने का कारण है कुछ बच्चों से नजरें मिल रही हैं तो उनके होठ हिल रहे हैं, नजरें नहीं मिल रही हैं तो उनके होठ नहीं हिल रहे हैं। ये टैलेंटेड लोग हैं धरती के, इनका बटन दबता है ना। फोर्थ पॉइंट पे आती हूँ, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, हमेशा बाय लगेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पलटने के अलावा आपको इसमें जो चेंज करना है, जब हम इन्हें पलटेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में पलट जाएंगे। ये मुझे एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा। देखो सपोज एक्टिव में सब्जेक्ट कौन है? ही। और पैसिव में सब्जेक्ट कौन है? मी। यहां मैं आपसे क्या बुलवा रही हूं? हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। अगली बात मैं कह रही हूं सब्जेक्ट के अनुसार लगानी आनी चाहिए। क्या बोला मैंने? हेल्पिंग वर्ब बदलेगी तो नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी आनी चाहिए। अब ये बात मैं इधर समझा रही हूं, बोर्ड पे देखना ध्यान से। एक्टिव का सब्जेक्ट है ही, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है मी। हमें इन्हें आपस में पलटना है पैसिव बनाने के लिए, तो मी आगे आके क्या बनेगा? ही पीछे जाके क्या बनेगा? अब मेरी बात कान खोल के सुनिएगा। ही के लिए इज लगा होगा, आई के लिए क्या लगाना है? अब समझो, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी आने चाहिए। समझ गए इस लाइन का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब बदली नहीं है मैंने, बदलने का मतलब इसका हेड हो जाएगा, इसका डिड हो जाएगा, इसका वर हो जाएगा। चेंज नहीं कर रही हूं मैं सिर्फ क्या कर रही हूं? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रही हूं। ये लाइन थी मेरी, क्योंकि जब मैं बच्चे को कहती हूँ ना हेल्पिंग वर्ब बदलनी नहीं है, तो बहुत से बच्चे ऊपर इस को नीचे यूं का यूं चिपका देते हैं आई के साथ भी, और फिर कहते हैं आपने ही तो कहा था हेल्पिंग वर्ब बदलनी नहीं है। इसलिए ये लाइन जोड़ देती हूँ साथ में कि बदलनी तो नहीं है लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी आनी चाहिए। अब मेरा सवाल आप सबसे ये है, मैंने इधर यू लगा दिया तो अब आपका दिमाग क्या कहता है पैसिव में क्या होगा? यू इसकी बजाय अब एम भी नहीं, क्या आ गया? आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बदली नहीं है पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो लगेगी। बन जाएगी बात? सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा वॉइस कौन सी फॉर्म में चलता है? थर्ड फॉर्म में। जोर से बोलेंगे कौन सी फॉर्म में? फिर से बोलो कौन सी फॉर्म में? एक बार और, एक बार और, एक बार और, फिर से, आने दो, चलने दो, बोलते जाओ, कोई चोर नहीं मिला, सब बोल रहे हैं, सबको नौकरी चाहिए, सबका अंतर्मन कह रहा है आ रे आ रे आ रे, पर किसको? नौकरी को। चलिए, हमेशा थर्ड फॉर्म। ये बात मैंने इतनी बार इसलिए बुलवाई है क्योंकि बहुत से अध्यापकों के मुंह से आप सुनेंगे कि वॉइस आ ही नहीं सकता भाई तेरे को जब तक तेरे को टेंस नहीं आता होगा। आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग, रीजन बीइंग पूरा का पूरा वॉइस चलता ही एक फॉर्म में है एंड दैट इज थर्ड फॉर्म, तो टेंस को फॉलो करने की जरूरत कहाँ पड़ी? हमें ऑप्शन में एक ही वर्ब देखनी है जो कौन सी फॉर्म है?
थर्ड है, थर्ड मिलेगी तो सही आंसर है, थर्ड नहीं मिलेगी तो सही आंसर नहीं है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा एक भी सेंटेंस में नहीं होगा कि वो पैसिव हो और उसमें थर्ड फॉर्म ना हो। तो इट इज 100%, इट इज नॉट इवन 90% और 99.99, नो इट इज 100% एक्यूरेट कि हमेशा पैसिव में कौन सी फॉर्म मिलेगी, थर्ड फॉर्म। तो आप टेंस के भ्रम में ना रहें और हमेशा उस ऑप्शन को चुने जिसमें कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। क्या हमें बात समझ आ गई यहां तक की? यस नो करिए। दीपक, साहिल, पिंकी, इन्हें भी समझ में आ गई। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल बता रही हूं, रूल नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट रूल बता रही हूं, रूल नंबर 5 ध्यान से सुनना। रूल नंबर 5 कह रहा है, इधर एक्टिव लिखूंगी इधर पैसिव। एक्टिव में मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, कितनी? 5। एक्टिव में मेन वर्ब की कितनी फॉर्म है? 5। ठंडे पड़ गए भाई, बोलो ना कितनी, कितनी फॉर्म? फर्स्ट और फिफ्थ, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब एक्टिव में ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं और हमें इन्हें किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में। तो ध्यान से सुनते जाना, एक्टिव की पहली और पांचवी फॉर्म हटके पैसिव के इज द मार में बदलेगी, किस में बदलेगी? एक्टिव की सेकंड फॉर्म हटके पैसिव के वॉज वर में बदलेगी, किस में? पहली फॉर्म और पांचवी फॉर्म किस में बदल रही है, इज एम आर में। दूसरी फॉर्म किस में बदल रही है, बता सकते हो मैंने पहली पांचवी और दूसरी पे क्रॉस क्यों लगाया, मैं इन्हें हटा क्यों रही हूं और इज एम आर वॉज वर क्यों लगा रही हूं? किसी का ध्यान जा रहा है? क्योंकि अभी तो बताया था इतनी बार कि पैसिव में एक ही फॉर्म चलती है, थर्ड के अलावा कुछ भी आएगा तो हमें उसे रिमूव करना है। स्माइल करना चाह रहे हो क्या? मैं रुक जाऊंगी फिर, मतलब अगर तुम्हें ये लग रहा है हमारी फोटो खींच रही है तो हम जरा मुस्कुरा के वाला फोटो दे दें तो फिर कर सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। थर्ड फॉर्म को हमें रिमूव करना है हमेशा ही, सॉरी थर्ड फॉर्म को हमें हमेशा लगाना है, तो उस रीजन से हम पहली और पांचवी फॉर्म को हटाएंगे और हम सेकेंड फॉर्म को भी हटाएंगे, पर थर्ड को तो नहीं हटा सकते। अगली फॉर्म कौन सी है? थर्ड फॉर्म, इसे तो हम नहीं हटा सकते, तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, पैसिव का सेंस देने के लिए ऐड कर देंगे बीन। पैसिव का सेंस देने के लिए क्या ऐड कर देंगे? बीन ऐड कर देंगे। फोर्थ फॉर्म भी हटा देंगे। कोई मुझे बता सकता है फोर्थ फॉर्म में किसको कहती हूं? फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म पे, फर्स्ट फॉर्म पे, फर्स्ट फॉर्म पे, फर्स्ट फॉर्म पे, जगाना पड़ता है, एक आधा खो जाता है ख्यालों में। फर्स्ट फॉर्म पे इसे हटाया और इसकी जगह कौन बिठा दिया भाई? अब जोर से बुलवाऊंगी, कई बार बुलवाऊंगी। पहली फॉर्म को किसमें बदलें? सीधे बैठ जाओ। पहली फॉर्म को किसमें? पहली फॉर्म किसमें? पांचवी फॉर्म किसमें? सही है, पहली और पांचवी दोनों इजमार, पहली और पांचवी दोनों एसीआईएस लग गया तो कौन सी, पहली या पांचवी? एसीआईएस हट गया तो लग गया, हट गया, लग गया, पांचवी फॉर्म हट गई पैसिव में,